नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ये एजुकेशनल सीरीज में, जहां पे मैं आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके सिखाऊंगा और वो भी स्टेप बाय स्टेप। बेसिक में सभी पॉइंट आपके क्लियर करूंगा। और जो आप न्यूज चैनल पे सुनते हो कि निफ्टी का आज का रेंज ये है, बैंक निफ्टी का आज का रेंज ये है, वो एनालिस्ट लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आप टीवी पे सुनते हो या यूट्यूब पे देखते हो या फिर अदर सोर्सेस के ऊपर देखते हो कि निफ्टी में बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी आज यूज करना है या सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी यूज करना है, वो सब किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, ये आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उसी तरीके से जिस तरीके से मैं खुद एनालिसिस करता हूँ, वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ये एजुकेशनल सीरीज में। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ ऑप्शन चेन का एनालिसिस हम लोग करेंगे तो कहाँ पे देखेंगे ऑप्शन चेन। बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछे थे कि ऑप्शन चेन जब हम लोग न्यू वेबसाइट के ऊपर देखते हैं तो वो अलग दिखता है और ओल्ड वेबसाइट के ऊपर जब देखते हैं तो वो अलग दिखता है, तो ऐसा क्यों होता है, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो बने रहिए ये वीडियो में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अगर ऑप्शन चेन देखना है तो एनएससी इंडिया के वेबसाइट के ऊपर जाना है। एनएससी इंडिया के वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद ये मार्केट डेटा के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो ऑप्शन चेन लिखा हुआ है, ऑप्शन चेन के ऊपर आप अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऐसा ऑप्शन चेन खुल जाएगा। अगर आपको पुराने वाले वेबसाइट में देखना है ऑप्शन चेन तो यहाँ पे जाके आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन द न्यू टैब के ऊपर क्लिक करना है तो नया टैब खुलेगा जहाँ पे पुराना वाला वेबसाइट खुलेगा। पुराने वाले वेबसाइट में अगर आपको ऑप्शन चेन देखना है तो ये लाइव मार्केट के ऊपर जाना है। लाइव मार्केट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव्स के ऊपर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको पुराना वाला ऑप्शन चेन दिखेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करना है कि कौन सा देखना है, आपको निफ्टी का देखना है या बैंक निफ्टी का देखना है। फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करना है। जब भी हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नियरेस्ट जो एक्सपायरी रहता है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको वो पूरा ऑप्शन चेन दिख जाएगा। अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ कि नए वाले और पुराने वाले में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने 22 अक्टूबर के एक्सपायरी का निफ्टी का ऑप्शन चेन पुराने वाले वेबसाइट में लगाया हुआ है, सेम मैंने यहाँ पे 22 अक्टूबर के एक्सपायरी का निफ्टी का ऑप्शन चेन नए वेबसाइट में लगाया हुआ है। तो नए वेबसाइट में अगर आप देखते हो तो ये 11,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पे 24,578 का वैल्यू आ रहा है ओपन इंटरेस्ट में। और अगर आप ये पुराने वाले वेबसाइट के ऊपर जाते हो, यहाँ पे 11,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पे ओपन इंटरेस्ट में वैल्यू कुछ अलग आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये आप बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए कि ये पुराना वाला जो वेबसाइट है, पुराने वाले वेबसाइट में ओपन इंटरेस्ट जो बताया जाता है वो इन टर्म्स ऑफ शेयर्स बताया जाता है, और ये जो नया वाला वेबसाइट है, ये नए वाले वेबसाइट में ये जो ओपन इंटरेस्ट बताया जा रहा है वो इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 11,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पे कितना वैल्यू बता रहा है, 24,578 का। तो ये 24,578 शेयर्स नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट वहां पे बना हुआ है। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट्स कितना है यहाँ पे आपको मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 24,578 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कितने शेयर्स होते हैं, 75 शेयर्स होते हैं। तो 75 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है, कितना वैल्यू आ रहा है आपको यहाँ पे, 18,43,350। अगर यहाँ पे आप पुराने वाले में जाते हो तो पुराने वाले में आपको दिखाई देगा कि वही वैल्यू आ रहा है, 18,43,350। तो इस तरीके का डिफरेंस है, अभी इसको समझ लीजिए। अभी मुझे YouTube में बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि कौन सा देखना है, पुराना वाला देखना है या नया वाला वेबसाइट देखना है। वेबसाइट आप कौन सा भी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डिफरेंस इतना है पुराने वाले में नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करके बताता है और नए वाले में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैलकुलेट करके बताता है। तो ये हो गई बेसिक बात, जो डाउट मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछा गया था वो मैंने अभी क्लियर कर दिया। अभी आते हैं लर्निंग प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप के ऊपर।
तो अभी आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमें कहाँ पे ऑप्शन चेन देखना है, ऑप्शन चेन में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट देखना है। अभी उसके बाद अभी आपको कुछ बेसिक बातें समझनी पड़ेगी। बेसिक बातें में क्या है कि हमें ऑप्शन चेन में देखना क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉल्स लिख कर आया हुआ है और यहाँ पे पुट्स लिख कर आया हुआ है। तो कॉल्स के साइड पे हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं और पुट के साइड पर हम लोग सपोर्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे नीचे वाले में अगर आप देखोगे तो कुछ व्हाइट कलर में आ रहा है, कुछ जो है वो पीले रंग में आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये पीले रंग में जो स्ट्राइक प्राइजेस आ रही है उनको बोलते हैं इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। ये जो है ये हो गया आपके इन द मनी कॉल ऑप्शन, ये इन द मनी कॉल ऑप्शन आपके हो गए। और जो व्हाइट कलर में आ रहा है वो व्हाइट कलर में आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं, ये आपका आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हो गया। उसी तरीके से ये पीले रंग में यहाँ पे जो आपको पुट साइड के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये पुट साइड के ऊपर आपका हो गया इन द मनी पुट ऑप्शन, और ये व्हाइट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। तो ये बेसिक बातें आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ये एजुकेशनल सीरीज में सभी पॉइंट क्लियर करूंगा कि हमें क्या देखना है, क्या इग्नोर करना है। तो सबसे पहले ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस को हमें समझना पड़ेगा कि स्ट्राइक प्राइस से हमें क्या कंक्लूजन निकालना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस देखना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करना है। फिर उसके बाद टाइम बीइंग के लिए ये जो कॉलम है इसको सब इग्नोर कर दीजिए आप, हम लोगों को इससे कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। तो हम लोग फोकस कहाँ पे करेंगे, सबसे ज्यादा फोकस ये ओपन इंटरेस्ट के ऊपर करेंगे, क्योंकि यहाँ से ही हमें आइडिया मिलेगा कि मार्केट कौन से रेंज में रहने वाला है, किस तरीके का रेंज यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फिर ये परसेंट सॉरी ये जो चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट से हमें आइडिया मिलेगा कि इंट्राडे में किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे हो रहा है। इंट्राडे में जो पोजीशन बिल्टअप हो रहा है वो चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट में आपको दिखाई देगा, और जो ओवरऑल पोजीशन बिल्टअप हो चुका है वो ओवरऑल पोजीशन आपको यहाँ पे ये वाले ओपन इंटरेस्ट कॉलम में दिखाई देगा। ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के ऊपर हम लोग एक सेपरेट सेशन रखेंगे, जो सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, इसमें क्लियर कट में आपको बताऊंगा कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कैलकुलेट किस तरीके से होती है और उसका हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है जब हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे। वॉल्यूम का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, एक्सपायरी के दिन के ऊपर और एक्सपायरी के एक दिन पहले, वो भी क्यों करेंगे उसी दो दिन के लिए, ये मैं आने वाले एजुकेशनल सीरीज में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई। अभी मैं आपको एजुकेशनल सीरीज का ये स्टार्टिंग डे है तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि आपको मैं बताऊंगा कि जो आप टीवी चैनल पे देखते हो वो रेंज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एनालिस्ट लोग बोलते हैं कि निफ्टी ये रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी है, तो वो रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो रेंज कैलकुलेट करने का मैं सिंपल टेक्निक आपको बताता हूँ। तो आपको कॉल की साइड के ऊपर जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं, तो कॉल की साइड के ऊपर आपको देखना है कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कौन से स्ट्राइक प्राइस पर बना हुआ है। जो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना रहता है वो एज ए रेजिस्टेंस करके एक्ट होता है। और पुट की साइड के ऊपर आपको देखना पड़ता है कि पुट की साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 11,000 का जो लेवल है वो 11,000 के लेवल के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो एज अ सपोर्ट करके वो एक्ट होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से रेंज कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन ये 1,000 पॉइंट का जो रेंज है वो बहुत ही बड़ा रेंज हो चुका है। तो अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको जो बताया वो बड़ा रेंज आपको कैलकुलेट कैसे करना है, तो ये ओपन इंटरेस्ट के कॉलम से हम लोग बड़ा रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपको इंट्राडे के लिए रेंज कैलकुलेट करना है तो इंट्राडे का लिए रेंज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इंट्राडे में ओपन इंटरेस्ट में चेंज होता है वो इंट्राडे का ओपन इंटरेस्ट का चेंज देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बिल्टअप हो रहा है। तो इंट्राडे का रेंज अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ओपन इंटरेस्ट ये लेवल के ऊपर बिल्टअप हो रहा है, 11,800, 11,900, 12,000,
तीनों साइड पे ऑलमोस्ट सेम ओपन इंटरेस्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यह निकलता है, इसका प्रैक्टिकल कैलकुलेशन ये निकलता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस ऊपर की साइड की तरफ बन रहा है। अगर नीचे की साइड में देखोगे तो नीचे की साइड में सपोर्ट कैलकुलेट करते समय इंट्राडे में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 11,700 के ऊपर बना हुआ है। तो 11,700 एक स्ट्रांग सपोर्ट बन के यहाँ पे आ रहा है, इस तरीके का यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है। तो इसी तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी बातें बताते जाऊंगा। इसमें से कौन सा भी पॉइंट आपको अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया है, तो वो मैं वो पॉइंट के ऊपर मैं वीडियो दोबारा बनाऊंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको और एक्सप्लेन करूंगा। ये जो एजुकेशनल सीरीज है, ये एजुकेशनल सीरीज को अगर आपको कंटिन्यू रखना है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो को आने वाले एक हफ्ते में 5,000 से ज्यादा लाइक मिलते हैं तो हम लोग ये एजुकेशनल सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, मुझे भी पता चलेगा कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने यूट्यूब के ऊपर या फिर एजुकेशनल चैनल के ऊपर या फिर टीवी के ऊपर हमेशा सुनते हो कि सेल ऑन राइज का एक स्ट्रेटजी रहता है, सेल ऑन राइज, और दूसरा स्ट्रेटजी रहता है बाय ऑन डिप्स। तो एनालिस्ट लोग ये जो है ये रिकमेंडेशन कौन से बेसिस के ऊपर देते हैं, ऑप्शन चेन में ऐसा क्या देखना पड़ता है और जो देख के हमें समझ में आता है कि अभी मार्केट में सेल ऑन राइज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम करेगा या और बाय ऑन डिप्स का काम करेगा। तो ये जो अपना एजुकेशनल चैनल है जहाँ पे मैं फ्री में इंट्राडे के टिप्स देता हूँ और मेरे व्यूज बताता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कल के दिन 10:37 पर ये स्ट्रेटजी आपको बताया था कि आज के दिन के लिए कौन सा स्ट्रेटजी आपको यूज करना है, तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी यूज करना है। तो ये एजुकेशनल चैनल जो है टेलीग्राम का, इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको फ्री में ऐसे व्यूज मिल जाएंगे ऑप्शन चेन के, और इंट्राडे के सिग्नल्स भी वहां पे मिल जाएंगे। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले वो टाइम का जब हम लोग मार्केट को एनालाइज कर रहे होते हैं वो पर्टिकुलर टाइम का आपको ऑप्शन चेन देखना पड़ता है। वो पर्टिकुलर टाइम में आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा बिल्टअप हो रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ज्यादा बिल्टअप हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो टाइम के ऊपर मैंने कंक्लूजन निकाला था वो टाइम के ऊपर आप देखोगे तो इंट्राडे में भी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा था और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट जो है वो क्यूम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे बिल्टअप हो रहा था। तो इसका एक कंक्लूजन ये निकल के आ रहा था कि ऊपर की साइड के ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग बिल्टअप हो रहा है। तो रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग बिल्टअप हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उस दिन के लिए रखना है वो सेल ऑन राइज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमें रखना है। तो आपको क्या करना पड़ता है, चार कंपार्टमेंट में स्टडी करना पड़ता है। ये चारों कंपार्टमेंट का कंक्लूजन जब एक ही निकलेगा तो वो एक ही कंक्लूजन जब निकलेगा तभी जाके हम हमारा व्यू बनाएंगे। जब यहाँ पे आपको बताई देगा कि सेल ऑन राइज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, सेम अगर यहाँ पे भी बताया जाएगा कि सेल ऑन राइज का है तभी जाके हम लोग वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करेंगे। अगर ये कंपार्टमेंट हमें कंक्लूजन बता रहा है सेल ऑन राइज का लेकिन ये कंपार्टमेंट में हमें कंक्लूजन आ रहा है बाय ऑन डिप्स का, तो समझ लेना वो टाइम के ऊपर मार्केट डाइसी है, मार्केट में कुछ भी ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। तो वो टाइम के ऊपर आप सिंपली कंक्लूड कीजिए कि रेंज बाउंड मार्केट है, हमें मार्केट से दूर रहना है, हम लोग वो टाइम के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन में आप एक बार देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं वो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है। तो इसका क्या रीजन है, ये आउट ऑफ द मनी में ही ज्यादा क्यों लोग काम कर रहे हैं, वहां पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्यों बिल्टअप हो रहा है। अगर आप यहाँ पे इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में देखोगे तो इन द मनी ऑप्शन जो है वो इन द मनी ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट जो है वो ओपन इंटरेस्ट कम बिल्टअप हो रहा है, आउट ऑफ द मनी में ज्यादा बिल्टअप हो रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, साइकोलॉजिकल रीजन क्या है, ऑप्शन राइटर जो है वो ऑप्शन राइटर किस तरीके से सोच रहे हैं, ये सोच को हमें समझना पड़ेगा। जब आप ऑप्शन राइटर के सोच को समझोगे तभी जाके आप मार्केट के हिसाब से कंक्लूजन निकाल पाओगे।
अभी आप क्या कर रहे हो, आप आपके दिमाग से सोच रहे हो और आपके मन के हिसाब से आप प्रिडिक्शन निकाल रहे हो। इसकी वजह से आपका प्रिडिक्शन गलत हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। जब आप ऑप्शन राइटर के दिमाग से सोचोगे, उनकी तरह मार्केट को देखोगे, उनकी तरह मार्केट को समझोगे, उनकी तरह पोजीशन ले लोगे, तब जाके आप एक कंसिस्टेंट विनर बनोगे। क्योंकि ये ऑप्शन राइटर जो रहते हैं दोस्तों, ये बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी रहते हैं और हिस्टोरिकली ये प्रूव हो चुका है कि ऑप्शन राइटर ज्यादातर टाइम कैसे कमाता है एज कम्पेयर टू द ऑप्शन बायर। ऐसा क्यों होता है ये आपको समझना पड़ेगा। अभी ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद अगर 5000 लाइक नेक्स्ट सैटरडे तक आ जाते हैं तो मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बना के दूंगा, जिसमें मैं आपको ये लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा कि आउट ऑफ द मनी जो है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्यों बिल्ट अप होता है, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, ऑप्शन राइटर वहां पे किस तरीके से सोचते हैं और उस हिसाब से हमें क्या कंक्लूजन निकालना है, कहाँ पे ज्यादा ऑप्शन राइटिंग हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा ऑप्शन बाइंग हो रहा है, ये सब अगर आपको समझना है तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। आपके जो भी डाउट है वो डाउट कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं ये सब आपके डाउट क्लियर करूंगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।